हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं खोआ की स्टफिंग करके गुलाब जामुन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। एक भी स्टेप्स को मिस ना करें, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टेंट तरीके से हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन आज के इस वीडियो में। बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी है ये गुलाब जामुन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मावा की फिलिंग के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ खोआ और उसको हम मीडियम लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए हम इसको सौते करेंगे। ज़्यादा कुछ हम इसमें डालेंगे नहीं, बहुत ही आसान तरीके से ये गुलाब जामुन बन रहा है। हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी और इसको पकाएंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना कर जाए पूरा। मावा की फिलिंग अब रेडी है, हम गैस का स्टोव बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप पानी, फिर उसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी और इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा स्टिकी ना हो जाए, थोड़ा थिक ना हो जाए। चाशनी हमारा थिक हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटे चम्मच ग्रीन कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर, और इसके बाद फिर हम डालेंगे 1 पिंच सैफ्रन केसर। अच्छे से चलाते हुए हम इसको 20 सेकंड तक और पकाएंगे, उसके बाद गैस का स्टोव बंद कर देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच लेमन जूस। अब हम डो तैयार करेंगे गुलाब जामुन बनाने के लिए। उसके लिए हम लेंगे 7 से 8 पीसेस ब्रेड के और उसके साइड्स को हम निकाल देंगे और ब्रेड को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ब्रेड के पीसेस को अब हम ट्रांसफ़र करेंगे बोल में या फिर ऐसे किसी चीज़ में जिसमें हम आसानी से डो तैयार कर सकें। तो अब इसमें हम डालेंगे दूध, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे डो तैयार करने के लिए, और उसको हम हल्के हाथों से मिलाते हुए डो तैयार करेंगे। दूध का आप इस्तेमाल उतना करें जितना आपको ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध का इस्तेमाल किया है। डो को हल्के हाथों से ही मिलाएंगे ताकि हमारा डो सॉफ्ट बने। डो रेडी हो गया है, अब हाथ को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल या घी से। अब डो के छोटे छोटे साइज़ के पोर्शन निकाल लेंगे। आपको जितनी बड़ी साइज़ की गुलाब जामुन चाहिए आप वैसे ले सकते हैं। हम इसमें मावा की फिलिंग करेंगे और शेप आप कैसा भी दे सकते हैं, आप राउंड शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप दिया है। सेम प्रोसेस से हम सारे की फिलिंग एक एक करके ऐसे ही कर लेंगे। अब हम बस इसको फ्राई करेंगे। उसके लिए हम एक कढ़ाई को मीडियम हाई फ्लेम पर गरम करेंगे, इसमें तेल डालकर, और फिर हम डीप फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना दे दे। फ्राई करने के लिए हम गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। अच्छे से ये डीप फ्राई हो गया है, देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। जो हमने पहले से बना कर रखा है चाशनी वो हम इसके ऊपर से डालेंगे और आधा घंटा इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि चाशनी जो है अंदर तक चला जाए। मावा गुलाब जामुन हमारा बनकर रेडी है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी सारी वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ऐसे ही टेस्टी, इजी एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।